नमस्ते दोस्तों मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज आज का ये वीडियो इस बारे में है कि आ, अभी मुझे रिसेंटली कह सकते हैं प्यार हुआ या प्यार का एहसास हुआ और जिसके साथ प्यार का एहसास हुआ वो एक्सपेक्टेड होता है कि इनके साथ होना ही चाहिए कोई गैसेस की किसके साथ हुआ के नहीं <laughs> अभी नहीं दो लोग हैं वो भी दो लोग हैं मम्मी पापा सही कहा वो कहते मतलब पेरेंट्स और वो एक्सपेक्टेड होता है कि बचपन से वो हमारे साथ तो, तो हमें उनके साथ प्यार होगा ही होगा उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं कि वो हमारे पेरेंट्स हम उनके बच्चे हैं तो प्यार करते हैं लेकिन जो एक एक्चुअली एक एहसास होता है कि हाँ मतलब एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ ऊपर ऊपर का प्यार नहीं मतलब सच में उनसे प्यार करते हैं वरना तो बस हाँ ठीक है मम्मी हमारे लिए खाना बने एक तरीके से नौकरानी होती है वो हमारे घर के फिर जो भी है लेकिन जो एक रियल वाला प्यार हुआ वो मुझे मुझे इस वक्त एहसास हुआ Uh, अभी दो तीन दिन पहले की बात है uh, पापा एक्चुअली बहुत मतलब वो उनका बहुत शॉर्ट टेम है बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं तो uh, सुबह वो उनको जॉब पे जाना था तो जल्दी से मतलब उनको लेट रहा था उन्होंने बहुत चिल्लाया मेरे पे बहुत चिल्लाया मम्मी को बहुत चिल्लाया कि तुम काम ठीक से नहीं करती हो और तुम सोती रहती हो दिन भर ऐसे करके और चिल्ला के फिर वो चले गए फिर uh, जब उनको जाना हुआ फिर ऑलमोस्ट uh, उनको कुछ सामान चाहिए था तो उन्होंने मम्मी से बोला कि तुम ये सामान भिजवा देना एड्रेस देते और एक आदमी लेने आया था तो उन्होंने क्या किया कि मम्मी ने उनके लिए कुछ खाने के लिए भी भेजवा तो उनको बताया नहीं और पता नहीं क्यों पता नहीं क्या हुआ मेरे मन में मैंने उनको एक लेटर लिख के भेजा मेरा मन किया कि मैं उनको एक लेटर लिख के भेजूँ <coughs> तो एक लेटर लिख के दिया मैंने उनको और वो खाना पहुँचा तो फिर उनका ऑलमोस्ट वही छः सात बजे के करीब शाम में उनका कॉल आया था तो उनके बाद मतलब बहुत इमोशनल उनकी वॉइस लग रही थी मुझे तो मैंने कहा वो सब ठीक है तो फिर उन्होंने आ, कहा कि उन्होंने बस ये बोला कि सॉरी मतलब सुबह में बहुत नाराज हो गया था तो उसने चिल्ला दिया आपको बता दूं मैं आज तक उन्होंने किसी से सॉरी नहीं बोला है शुरी मेरे शुरी। घर में पापा ने किसी से सॉरी नहीं बोला ना मुझसे कभी सॉरी बोला ना मैं सोचा आपकी तबियत तो ठीक है ना आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं मैंने कहा हाँ थोड़ा सा मैं परेशान था तो इसलिए मैंने चिल्ला दिया और तुम्हारा लेटर मिला मुझे और मैंने उसमें सब लिखा था जितने इमोशंस बह रहे थे मेरे सब लिखा मैंने उनको तो फिर वो बड़ा खुश हुए फिर अभी आ, दो तीन दिन पहले फिर अभी सर्दियों का मौसम है ऑलमोस्ट ये इंसिडेंट्स मेरे साथ आ, बहुत कॉमन मतलब अभी रिसेंटली हुआ मम्मी के साथ ये हुआ कि आ, मैं आ, पानी पीने गई थी मैं किचन में कुछ काम हुआ तो मैंने हाथ ना धुलें पानी इतना ठंडा भी सर्दियों का टाइम है फिर मुझे एक दम से रियलाइज़ हुआ यार मम्मी तो सुबह शाम ठंडे पानी में बर्तन धुलती है मेरा हाथ डालने का मन नहीं कर रहा वो सुबह शाम बर्तन धुलती है इसमें तो मैंने न्यू ईयर के टाइम पे मैं उनको किचन ग्लव्स गिफ्ट किए कि एटलीस्ट आप ये यूज़ कर लीजिए ताकि आपको मतलब ठंडी ना लगे शाम शाम में तो ये बहुत बार हुआ मैं कई बार किचन में गई मैं कई बार पानी ठंडा था मैंने यूज़ किया पर मुझे उस वक्त ये एहसास नहीं हुआ था फिर मम्मी भी बड़ी खुशी पापा भी बड़े खुश हुए मतलब मुझे अच्छी लगी वो फीलिंग मुझे लगा कि नहीं यार ये जो रियल लव होता है ये यही होता है तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि कैसे आप अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप है हालांकि वो आपके पेरेंट्स और आप उनके बच्चे हैं और होना चाहिए प्यार ये है कि आपको प्यार होना ही चाहिए उन्होंने आपको जन्म दिया आपको पालते पोसा कपड़े देते हैं तो आपको प्यार होना ही चाहिए लेकिन जो एक ट्रू सेंस में जो आपको अंदर से फीलिंग आती है जो आप डेवलप करते हो उनके लिए अगर वो नहीं है तो आप जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि कभी भी अपने पेरेंट्स से झगड़ा मत करिए मतलब लड़ाई मत करो उन पर चिल्डाइए मत कि आप कोई हक नहीं बनता मुझसे लड़ाई करने का फिर मुझ पर अपना हक जमाने का मैं आपका बच्चा उसका मतलब ये नहीं कि आपको जो मर्जी में आएगा वो करोगे कभी अपने पेरेंट्स से आप लोग लड़िए मत उनको मतलब अपनी बात समझाने की कोशिश करिए और जितना से जितना ज्यादा टाइम हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करिए तक मतलब मुझे याद है मतलब मेरी फैमिली में मेरे पास बहुत कम मेमोरी जो मैंने पापा के साथ स्पेंड की काफी टाइम मैंने मम्मी के साथ स्पेंड किया पापा जॉब के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे तो अगर आप चाहते तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं उतना स्पेंड करिए और उनको समझिए उनको समझाइए आप जो अपनी बातें कह सकते हैं सुनिए और सुनाइए लिसनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स यू कैन एक्वायर आप अपनी बात सुन सकते हैं और सुन को सुना सकते हैं और वो भी जो भी कहना चाहती हैं मतलब अगर आपके पेरेंट्स बहुत परेशान होता तो आप उनसे बात करिए कि क्या परेशानी है तो आप शायद उनकी बात समझ सके और उनको आप उनको समझा सके तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि कैसे आ, मतलब मैं डील करती हूँ अपने पेरेंट्स और जब जैसे आप भी डील कर सकते हैं थैंक यू सो मच नंदिनी को मैं थैंक यू बोलूँगा बिकॉज उसने एक बहुत गहरा इंसाइट मुझे क्लिक करा दिया हम लोग याद है कल कल मैं डिस्कस करा था किस तरह से कुछ पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं लड़कियों से बेसिकली दो पेरेंट्स के बारे में बता रहा था एक कि उनकी बेटी या उनसे बात ही नहीं करती तो आपने कहा लिसनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है कम्युनिकेट करने का बट कहाँ हम बैठ करके भी कहाँ सुन पाते हैं दूसरे को मतलब दो लोग जब बैठते हैं तो दोनों की प्रेजेंस अगर एक जैसी है मतलब दोनों अगर गुस्से वाले हैं दोनों एक ही टाइप के हैं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते दो लोग अगर चुप्पा हैं तब भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते दोनों चुप रहते हैं बट उस कंडीशन में लिसनिंग कैन बी डन थ्रू लेटर्स लेटर लिखनी शुरू करिए अब वो आर्ट खत्म हो गई है बट लेटर में एक खास चीज़ ये होती है कि आप जो भी बोल रहे हैं बोलना चाहते हैं ना वो सामने वाले को बोल देते हैं और वो मजबूरी में सुनता है बिकॉज आप वहाँ नहीं हैं तो ये हम लोग बचपन में करते थे आप लोग के शायद टाइम तक तो ई वगैरह आ गया होगा ना कभी स्कूल में लेटर लिखा है किसी को लेटर लिखने -like से जो लिखता है उसका भी कैथरेसिस होता है बहुत गहरा बिकॉज आप भी सोच सोच कर लिखते हैं जो बताना चाहते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव रेज लिसनिंग कैन बी डन थ्रू लेटर्स दिस इज अमेजिंग दोस्तों पांच कोर्स समय हम लोग रन कर रहे हैं जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से अपनी स्पीड से धीमे धीमे चाहे जल, जल्दी करना चाहते हैं अपने आप को सिखा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए बेसिक कोर्स बिजनेस के लिए डब्ल्यू बी एक्स मॉस्टोबेशन ब्रह्मचर्य और पेरेंटी को समझने के लिए एस अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजनस लेते हैं उसके लिए बी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पावर ऑफ Now अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां है, हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए डोनेट करिए थैंक यू सो मच अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा उसके जरिए हमारे डेली के कभी कभी एक और कभी दो वीडियोस हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुंचेगा तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों 22 जनवरी को आप सबका स्वागत है लखनऊ में हम लोग एक दिन का सेशन रख रहे हैं बिल्कुल मिस मत करिएगा एनलाइटेंड मास्टर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है ये टॉपिक है यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए लखनऊ में 22 जनवरी 2019 You are most welcome.